टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस बेसिकली इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है और हम जो एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन का कोर्स पढ़ रहे हैं इसमें ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है जो जिसको स्टडी करना ज़रूरी है। स्टेप्स इन्वॉल्व इन टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। फर्स्ट स्टेप इज फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। अ स्टेटमेंट अबाउट सम पॉपुलेशन पैरामीटर विच इज टू बी टेस्टेड इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। हम मोस्ट ऑफ द टाइम्स टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में जो चीज़ स्टडी कर रहे होते हैं वो किसी पॉपुलेशन पैरामीटर के बारे में होती है और पॉपुलेशन पैरामीटर के बारे में हम कोई स्टेटमेंट जो देते हैं दैट इज़ कॉल्ड हाइपोथेसिस। और हाइपोथेसिस आमतौर पर दो किस्म का होता है, नल हाइपोथेसिस विच इज़ यूजली डिनोटेड बाई एच नॉट। फॉर एग्जाम्पल अ हाइपोथेसिस मे बी म्यू इक्वल टू म्यू नॉट। म्यू आमतौर पर पॉपुलेशन पैरामीटर है जो मीन के लिए यूज होता है और हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि पॉपुलेशन का मीन कोई स्पेसिफाइड वैल्यू अडॉप्ट कर रहा है या उसकी आ रही है वैल्यू वो, और वो वैल्यू म्यू नॉट है। और नल हाइपोथेसिस कंस्ट्रक्ट करने के बाद हमें हमेशा उसका अल्टरनेट हाइपोथेसिस भी देना चाहिए, क्योंकि नल हाइपोथेसिस अगर रिजेक्ट होता है तो फिर जो हाइपोथेसिस हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा दैट इज कॉल्ड अल्टरनेट हाइपोथेसिस, और इसको हम एच वन से आमतौर पर डिनोट करते हैं। अगर हमारा नल हाइपोथेसिस म्यू इक्वल टू म्यू नॉट था तो हमारे अल्टरनेट हाइपोथेसिस तीन किस्म के हो सकते हैं जो इसके अलावा हैं, जो हमने सिचुएशन नल हाइपोथेसिस में अज्यूम की है उसके अलावा तीन और ऑप्शंस हैं हमारे पास कि म्यू मे बी नॉट इक्वल टू म्यू नॉट, म्यू मे बी ग्रेटर देन म्यू नॉट एंड म्यू मे बी लेस देन म्यू नॉट। तो अगर म्यू नॉट इक्वल टू म्यू नॉट है तो इस किस्म की सिचुएशन में जो टेस्ट लगेगा उसको टू टेल्ड टेस्ट कहा जाएगा, क्योंकि नॉट इक्वल में दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लेस भी हो सकता है और ग्रेटर भी हो सकता है, और जो ग्रेटर और लेस वाली ऑप्शन है उसमें एक ही ऑप्शन है इसलिए उनको वन टेल टेस्ट कहा जाएगा। लेवल्स ऑफ सिग्निफिकेंस जिसको अल्फा से नोट किया जाता है। अ सूटेबल प्रोबेबिलिटी चोजन टू शो द चांसेस ऑफ रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन इट वाज ट्रू आल्सो कॉल्ड टाइप वन एरर। तो एच नॉट को रिजेक्ट करने के लिए जो प्रोबेबिलिटी यूज होती है और अगर एच नॉट ट्रू था तो उस प्रोबेबिलिटी को टाइप वन एरर या लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कहा जाता है, और इसकी वैल्यू यूजली स्मॉल होती है जैसे 1%, 5% और मैक्सिमम अप टू 10%। इट मींस अगर 5% हम अल्फा लेते हैं इट मींस देयर आर 5% चांसेस दैट वी रिजेक्ट एच नॉट इफ इट वाज ट्रू। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स अ रूल और फार्मूला यूज्ड फॉर टेस्टिंग अ हाइपोथेसिस इज कॉल्ड टेस्ट स्टैटिस्टिक। फॉर टेस्टिंग इक्वालिटी ऑफ मींस इज यूज्ड जेड स्टैटिस्टिक, टी स्टैटिस्टिक और एफ स्टैटिस्टिक, जिसके फार्मूले नीचे दिए गए हैं। तो जेड स्टैटिस्टिक में और टी स्टैटिस्टिक में दोनों फार्मूले में जो एम ऑफ एक्स है वो सैंपल का मीन है और माइनस म्यू ये वो वाला म्यू है जो हमने हाइपोथेसिस में एच नॉट में अज्यूम किया है, और नीचे डिवाइड किया जा रहा है स्टैंडर्ड एरर पे। तो जेड टेस्ट की कंडीशन आमतौर पे ये होती है कि वो उस वक्त अप्लाई होता है जब पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन जो जहाँ पे सिग्मा है वो दिया गया है, या फिर उसकी सैंपल की स्टैंडर्ड डेविएशन भी यूज हो सकती है अगर सैंपल साइज क्वाइट लार्ज हो। अदरवाइज मीन को टेस्ट करने के लिए हम टी टेस्ट यूज करते हैं, और टी टेस्ट में जो स्टैंडर्ड डेविएशन यूज हो रही है वो स्मॉल एस के साथ लिखी गई है जो अनबायस स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो ये डिफरेंस है जेड के यूज में और टी के यूज में। दोनों के फार्मूले ऑलमोस्ट आइडेंटिकल हैं लेकिन जो डिवाइजर है उसमें स्टैंडर्ड डेविएशन अनबायस यूज होगी टी के केस में। और इसके अलावा मीन को टेस्ट करने के लिए हम एफ टेस्ट भी यूज करते हैं। एफ टेस्ट की अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम ट्रीटमेंट की और एरर की सेम है तो फिर उसका फार्मूला यहाँ पे लिखा गया है सम ऑफ स्केयर्स ऑफ ट्रीटमेंट डिवाइडेड बाय सम ऑफ स्केयर ऑफ एरर, और अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम डिफरेंट है तो फिर हमें मीन स्केयर ऑफ ट्रीटमेंट और मीन स्केयर ऑफ एरर पे डिवाइड करना होगा। तो ये कुछ टेस्ट हैं जो मीन को मीन के हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए यूज हो सकते हैं। क्रिटिकल रीजन इज द नेक्स्ट स्टेप इन प्लानिंग द टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। These are the sets of values which lead to experimenter to reject H0, also called rejection region.
हमारे पास टेस्ट स्टैटिस्टिक्स की बहुत सारी वैल्यूज पॉसिबल हैं, और टेस्ट स्टैटिस्टिक्स की वो वाली वैल्यूज जो हमें एच नॉट को रिजेक्ट करने के लिए हेल्प करेंगी या लीड करेंगी, हम उसको क्रिटिकल रीजन कहेंगे, और इसको रिजेक्शन रीजन भी कहा जा सकता है। यहाँ एक एग्जांपल ली गई है कि अगर आपने टी टेस्ट लगाया है और टू टेल टी टेस्ट है, तो उसका क्रिटिकल रीजन ये होगा जिसमें जो राइट साइड पे टी अल्फा बाय टू डिग्री ऑफ फ्रीडम है ये टेबुलेटेड वैल्यू है, और जो टी की मॉडुलस वैल्यू है दैट इज टेस्ट स्टैटिस्टिक वैल्यू, इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे, और अगर टी की मॉडुलस वैल्यू ग्रेटर देन टेबुलेटेड वैल्यू है तो हम एच नॉट को रिजेक्ट करेंगे क्योंकि हमने इसको रिजेक्शन रीजन कहा है, और अदरवाइज वन टेल टेस्ट भी नीचे अवेलेबल है, अगर हम वो यूज कर रहे हैं तो उसके हिसाब से हम रिजेक्शन या एक्सेप्टेंस करेंगे। कंप्यूटेशन, इन दिस स्टेप द फार्मूला आर टेस्ट स्टैटिस्टिक इज अप्लाइड टू ऑब्टेन अ न्यूमेरिकल रिजल्ट्स। तो कंप्यूटेशन का अगला स्टेप है जिसमें हम टेस्ट स्टैटिस्टिक में मुख्तलिफ वैल्यूज रखते हैं, एच नॉट की वैल्यू जो हमने अज्यूम किया वहां पे, और इसके अलावा जो हमारे पास कुछ सैंपल इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वो यूज करते हैं, तो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू कंप्यूट करते हैं स्टेप में। और आखिरी स्टेप है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में टू ड्रा सम कंक्लूजन। इफ द कंप्यूटेड वैल्यू ऑफ टेस्ट स्टैटिस्टिक्स फॉल्स इन द क्रिटिकल रीजन देन एच नॉट इज रिजेक्टेड, अदरवाइज एच नॉट इज एक्सेप्टेड। तो आखिरी स्टेप में हम उस स्टेटमेंट को या तो एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे जो हाइपोथेसिस बनाते वक्त हमने वजह की थी, जिसमें दो किस्म की स्टेटमेंट थी, नल हाइपोथेसिस या अल्टरनेट। तो इन दोनों में से किसी एक को एक्सेप्ट करना होगा, अगर एक एक्सेप्ट होती है तो फिर दूसरी ऑटोमेटिकली रिजेक्ट होगी। तो ये कुछ स्टेप्स थे जो टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस करते वक्त हमें उनका ख्याल रखना जरूरी है।